हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है प्रमोद। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने वीवो के किसी फोन को आप अपने लैपटॉप द्वारा स्क्रीन मिररिंग कैसे कर सकते हैं, और वो भी केवल एक डाटा केबल के थ्रू। इस प्रक्रिया में यहाँ पे किसी तरह का कोई वाईफाई का कनेक्शन नहीं होना है और ना ही किसी इंटरनेट की जरूरत होने वाली है। अभी तक आप ये देखते आते होंगे, वहां पे बताया जाता है कि आपका जो फोन होगा और लैपटॉप होगा दोनों ही सेम वाईफाई नेटवर्क से जुड़े होंगे, तभी जाके स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में कोई इस तरह का प्रावधान नहीं है, केवल आपको एक अच्छे क्वालिटी का ये डाटा केबल होना चाहिए और बड़े आसानी से आप अपने फोन को अपने लैपटॉप के द्वारा स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि इस प्रक्रिया में आप अपने फोन के द्वारा जो लैपटॉप पे स्क्रीन मिररिंग करते हैं उसमें किसी तरह का डिले देखने को नहीं मिलता है। आप अगर पबजी भी खेलते हैं इस प्रक्रिया में तो किसी तरह का कोई डिले देखने को नहीं मिलेगा, एकदम सिंक्रोनाइज आवाज और सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आप अपने वीवो फोन को लैपटॉप के द्वारा केवल डाटा केबल से कैसे स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने फोन को अगर आप यूएसबी के द्वारा स्क्रीन मिररिंग करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप अपने फोन के डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करिएगा। वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। वीवो फोन में इसके लिए सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट फोन में जाने के बाद सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे देख सकते हैं बिल्ड नंबर जो आ रहा है ना, उस पर 4-5 बार टैप करेंगे तो आपके फोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे एक पिन मांगेगा, जो भी आपके लॉक स्क्रीन का पिन होगा वो डाल दीजिएगा। और उसके बाद अपने फोन की सेटिंग्स में आ जाइएगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आप नीचे सबसे देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो चुका है। नीचे आएंगे तो यूएसबी डिबगिंग का जो ऑप्शन है ना, उसको आपको ऑन हो करना होगा और अलाउ कर दीजिएगा। अब आप अपने फोन को अपने लैपटॉप के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे कनेक्ट हो गया, मगर दोस्तों यहाँ पे देखा है मैंने कि अगर फोन यूजर है ना तो यूएसबी ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये चार्जिंग शो करता है, लेकिन आपको चार्जिंग नहीं करना है, डाटा ट्रांसफर पे क्लिक कर दीजिएगा, तभी जाके आपका जो फोन होगा वो कनेक्ट होगा अपने लैपटॉप से। अब देखिए यहाँ पे शो होने लगा कि मेरा जो फोन है लैपटॉप से कनेक्ट हो गया। अब देखिए जो फोन है आपके लैपटॉप के द्वारा कनेक्ट हो चुका है, उसके बाद क्या करना है, मैं एक लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस फाइल को आपको अपने लैपटॉप में डाउनलोड करना है। उस फाइल का नाम है मिरर, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं और डाउनलोड में है, देख सकते हैं ये फाइल है, उसको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ना उसको कॉपी करके आप अपने लैपटॉप का जो सी ड्राइव होता है ना उसमें पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज सी आ रहा है ना, इसमें पेस्ट कर दीजिएगा। ऑलरेडी मैं पेस्ट कर चुका हूँ, अब आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। सी ड्राइव को ओपन करिएगा और ये इस तरह का फाइल आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं मिरर, इसको क्लिक करिएगा और यहाँ पे नीचे आप आएंगे देख सकते हैं ये मिरर का ऑप्शन आ रहा है ना, 1 KB के आसपास की फाइल है, इसको डबल क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो फोन है स्क्रीन मिररिंग शो होने लगा आपको। अब इसको क्या करना है ना, आपको डाउन कर देना है, इसको कट मत करिएगा, जो भी ये फाइल है ना आप देख सकते हैं ये फाइल है ना, इसको कट मत करिएगा, आपको डाउन कर देना है। उसके बाद आपका जो फोन है स्क्रीन मिररिंग हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी तरह का कोई भी फीचर आप करेंगे ना तो यहाँ पे शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं। पे अगर कॉल करना चाहते हैं तो भी आप यहां से नंबर डायल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कॉल भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, किसी तरह का यहां पे डिले आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप बिग स्क्रीन पे गेमिंग करना चाहते हैं तो उसको भी मैं आप एक बार दिखा दे रहा हूं। मैं देख सकते हैं आप, किसी तरह सा कोई डिले देखने को नहीं मिल रहा है आपको, चाहे शूटिंग करनी है चाहे। तो दोस्तों मैं समझ रहा हूँ कि आपको कैसे स्क्रीन मिररिंग करनी है यूएसबी के द्वारा, फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, धन्यवाद।